हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स प्रैक्टिस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं रीजनिंग का टेस्ट देने वाला हूँ, क्योंकि मैथ्स का मैं ऑलरेडी काफ़ी बार टेस्ट करा चुका हूँ, रीजनिंग नहीं कराया है। तो ये रीजनिंग का सेकंड टेस्ट होने वाला है, पहला ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, और एग्जाम आ चुका है तो आपको मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। मतलब मॉक टेस्ट से अपना एनालिसिस करना ही पड़ेगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए हमेशा से मैं टेक्स्ट बुक प्रेफर करता हूँ, पर्सनली प्रेफर करता हूँ, प्रमोशनल भी नहीं करता इतना। मतलब पर्सनली पहले प्रेफर करता हूँ, बाद में प्रमोशन की बात है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं कि सबसे सस्ता पास प्रोवाइड करता है आपको, बाकी जितनी भी एप्लीकेशन होंगी इसके कंपैरिजन में। इसमें आपको 527 का ईयरली पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे एक जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे कोड यूज़ करोगे ट्रिपल एस तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अपने मॉक टेस्ट इससे लगा सकते हो आप। ठीक है, और इसके अलावा लाइव मॉक भी आता है फ्री, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तभी चलिए स्टार्ट करते हैं। 342, 13, 13 नहीं 23 है, 3, 23, 23, 23 ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। 11, 3 और 8, 11, 411। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टेम्परेचर जूल, वर्क की जूल होती है, रेजिस्टेंस की, फोर्स की न्यूटन होती है। राइट इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर के थर्ड ऑप्शन और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है ट्रायंगल का? नीचे वाला ट्रायंगल सीधा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 8 6 24 और 3 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 और 3 5 का क्यूब, ऐसे हो सकता है। 8 11, 8 3 11, और ये 12 का क्यूब, 17 28 नहीं, किसका क्यूब है ये? 17 28, 12 का ही तो है। 5 3 2, ये 4 है, सॉरी 4 11 12, क्या डिफरेंस क्या है इसमें? क्यूब ही देख लेते हैं सबसे पहले तो। 3 क्यूब कौन से हैं? ये है एक, तो ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों क्यूब से एक में ही है। बट इज इंटरचेंजिंग द फॉलोइंग, ओके विल बी आउट, इक्वेशन विल बी करेक्ट। 1 एंड 6, 7 माइनस 5 प्लस में 6 गुना 3 डिवाइड बाई 1। ठीक है, 6 3 18, 7 25 माइनस 5 20, 6 7 42 और 1 43 माइनस 2 48। ओनली फर्स्ट स्पीड ऑफ द कार्स आर कंपेयर, ठीक है, स्पीड वन सी वन इज मोर देन द ओनली वन कार, कितने? 5 5 5 4 3 2 1। सी वन की सिर्फ एक कार से ज़्यादा है स्पीड, तो सी वन यहाँ पे आ गए। ठीक है, स्पीड ऑफ सी फाइव इज मोर देन 4 कार्स, सी फाइव यहाँ आ गई। द स्पीड ऑफ सी फोर इज मोर देन सी वन बट लेस देन सी थ्री, सी फोर यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्पीड ऑफ, और यहाँ पे क्या बचा? 1 2, स्पीड ऑफ हाउ मेनी कार्स इज लेस देन द स्पीड ऑफ सी थ्री? 3 कार्स है। सर्टेन को लैंग्वेज एक्सेट इज कोडेड एज दिस, सी सी ए ए सी सी ई एन टी एन ई वी आर ओ डी, एन ई वी आर ओ डी, ओ जेड आर वाई, ओ जेड आर वाई, सम वाई आर बी, सम बी आर नोट जेड, सम बी आर नोट जेड हमें नहीं पता, सम वाई आर नोट, सम वाई आर नोट जेड हमें नहीं पता, सम जेड आर वाई, सम जेड आर वाई, ओ जेड आर वाई है तो सम बी ट्रू होगा, ओनली थर्ड। एल 12 2 14 2 16 2 18 2 20, टी 1 और 3 4 3 7 3 10 3 13, 7 और 2 9 2 11 2 13 2 15, टी एम ओ, और लास्ट में 2 3 5 और 3 8 3 11 3 14, एन। सेटिंग को एक इज माई नेफ्यू इज कोडेड एज दिस, ओके व्हाट इज द कोड ऑफ द नेफ्यू? द नेफ्यू यहाँ पे ही इज माई नेफ्यू, ठीक है, दिस इज
दैट इज माई और इज माई है यहाँ पे, दोनों में क्या है, जेड एस और पीवी, ठीक है। अब नेफ्यू का इसमें से बचा, इन दोनों में से सी ओ और जेड एस और पीवी था ना, मैंने क्या कर दिया, ये नहीं है, ये एम एन और सी ओ, ठीक है, जेड एस पीवी कट गया। ही इज योर अंकल, ही रह गया ना इसमें, ही यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ही क्या आ जाएगा यहाँ से, और सी ओ तो बच गया कि एम एन बच गया। यहाँ पे एक ही ऑप्शन में अच्छी बात है, हाउ मेनी सच पेयर्स आर लिटल इन फॉरवर्ड, और ठीक है एस टी ए आर, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है, काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता होगा कि क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है पहले से, देखते ही करने लग गया, देखते इसलिए करो क्योंकि मैंने काफ़ी बार किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, 19, 20, 1, 18, 20, 5, 23, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि इनका डिफरेंस वो देखना है ना, काउंटिंग करनी है कि मतलब ओरिजिनली काउंटिंग में भी सेम आता है या नहीं आता है, ठीक है। एक यहाँ पे सेम है, 19 के बाद 20 आता है, फिर 20 और तो कुछ भी नहीं है, 18, 19, 20 यहाँ पे भी है, ठीक है, और किसी में भी नहीं होगा, 20, 21, 22, 23 दो ही हैं, ठीक है, 18, 19, 20, 19, 20, 21 दो ही। क्या बताना है, सम लॉजिकल से एक डिफरेंट है, 5 है यहाँ पे, यहाँ पे 6 है, 3, 2, 4, 6, एक एक कम है बस इधर डंडा, ये यहाँ पे 6, ऊपर इधर की तरफ देखेगा दोबारा फर्स्ट ही फिगर बन जाएगी, स्क्वायर और दो डंडे, वो नीचे बड़ा स्क्वायर और स्क्वायर अंदर से जा रहा है, सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, ऑल आंसर आर रॉन्ग, सम रॉन्ग आर करेक्ट, ठीक है, सम रॉन्ग आर क्वेश्चन, सम रॉन्ग आर क्वेश्चन सही है, सम करेक्ट आर रॉन्ग, सम करेक्ट आर रॉन्ग सही है, सम आंसर आर रॉन्ग, सम आंसर आर रॉन्ग सही है। पी माइनस हो रहा है क्या, 2 और 6 8, 6 14, अच्छा प्लस हो रहा है, 16 6 22 V, ठीक है, 16 2 8 V के बाद 22 ही आएगा फिर से, फिर एच आई जे 3 और 7 10 है, ठीक है, 22 7 29 15 आएगा यहाँ पे, ओ वी 22 O, फाइंड आउट वन आउट आज मिनट सेकेंड डेसिबल्स, अलग यूनिट है वो, 19 और 14 33 20, 14 6 20 और 2 और 3 6 12 और 15 और 23, 23 15 कितना होता है 38, और यहाँ पे कितना 32, 6 12 6 12 हुआ है मेरे ख्याल से, बच्चे 50 183, अ गर्ल स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड वॉक्स 10 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड रीच इज द पॉइंट क्यू, ये पी है, नॉर्थ वेस्ट है ये वाली, ठीक है, ये क्यू आ गया, 10 मीटर चल लिया उससे, शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर टू द पॉइंट आर, ये आर चल लिया उससे, विच इज द डायरेक्ट विच इज डायरेक्टली वेस्ट टू द पॉइंट पी, ठीक है, यहाँ पे आर है, ठीक है, शी अगेन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट एस, रीच पॉइंट एस विच इज डायरेक्टली साउथवर्ड टू पॉइंट क्यू, यहाँ पे आएगा, फ्रॉम द पॉइंट एस सी टर्न्स टूवर्ड्स अ पॉइंट पी एंड वॉक्स 10 मीटर, क्या बताएं, वॉक्स द शेप ऑफ ज्योमेट्रिकल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है,
लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि राइट ही डायरेक्शन में से वो स्क्वायर मतलब, ठीक है, 90 डिग्री मुड़ रही है वो। ये ऐसे हो गया, इसको उधर कर दिया, 90 डिग्री रोटेट करा है बस, इसको 90 डिग्री रोटेट कर गया, ऐसे हो जाएगा सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कमिंग प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द ग्रीनर, बी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी, बी डिवाइड एन, एम इज द फादर ऑफ एन, बी इज द फादर ऑफ जी, जी मल्टीप्लाई एम इज द सिस्टर ऑफ एन, जी इज द सिस्टर ऑफ वी, और बी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ पी, तो प्लस मीन्स मदर, तो बी इज द मदर ऑफ पी, तो बी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर, यही हो सकता है इसका। इधर प्लस और डिवाइड क्या है, डिवाइड का मतलब ये एम इज द फादर, अगर ये फादर होगा तो नहीं होगा, मैटरनल ही है। प्लस फाइनल नंबर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयड मेल्स, रूरल एम्प्लॉयड है ये, ठीक है, तो 10 रूरल भी है और अनएम्प्लॉयड भी है, 10 हो जाएंगे। 144 या कितने होता है, 300, नहीं 144 दूनी 288, 44 का नाम है 2/3, लो करूँ मैं, डिफरेंस हो सकता है शायद 2, नहीं 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12, 12 36, 12 कम 12, ये 12 1 स्क्वायर × 31 है, 31 × 15 करो तो 15 कम 15, 15 45, और एक नहीं, डिफरेंस कितना है, 372, 144, 8 और 6 में 4 के 2, और ये 228, समझ नहीं आ रहा मुझे तो है। इनका रेशियो कितना है, 372 और 144 का, 12 31, 12 12, ठीक है, 31 = 12 है, तो ये किससे जाएगा फिर, अगर 25 से करूँ तो मैं 15 से जाएगा, 3 11 5 16, 15 से तो नहीं जाएगा ये, और कितने कर सकता है, 385, 285 है, सॉरी है, 31 15 तो 1 15 15 नहीं, 135, अरे 15 15 ये हो सकता है, ठीक है, 325 क्या है, 15 29, यही होगा, एक 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 प्राइम नंबर है और एक ऐसा होगा, यही सिंपल लग रहा है मुझे। 7 इनका डिफरेंस है, 14 इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस 19 102, खत्म, मुख इजी मुख था ये टेक्स्ट बुक, पहले 2 मॉक इजी रखता है, उसके बाद मुश्किल करने लग जाता है। एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, एक क्वेश्चन गलत होने पे देखो कितनी रैंक आ गई, 3600, और इतनी गंदी परसेंटेज गिरी है एक क्वेश्चन में, मतलब इतना इजी पेपर था ये। ये वाला गलत कर दिया मैंने, 6 12, 6 12 ऐसे तो करा था, 123 और 173 होना था, मैंने सम गड़बड़ कर दिया। ओके ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करनी आपको, रीजनिंग का टेस्ट था इजी था, मैंने सोचा रीजनिंग का अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।